Sir, I heard that you were in Pakistan for 5 years. Seven years. 7 years, wow. Yeah. I lived. Sir, any such incident of Dharma Sankat, like you had to make some decision, either this or that. मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, ये इसलिए क्योंकि किसी ने अखबार में छापी थी कुछ साल पहले. ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी वो है औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं. तो नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला. तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी. उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं. कहता मेरे साथ आओ. मैं उसके साथ चला गया. वो मुझे दो चार गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया. उसने दरवाजा बंद कर दिया. उसने कहा देखो तुम हिंदू हो. मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं. अब पता नहीं बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूं, कि कानों को छेदने के एक कान वेदन का एक वो होता है, एक एक वो है. अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं अब लड़कियों की होती है, लेकिन हमारे मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी. तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो वे था. मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ. उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए. खैर उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है. मैंने कहा अच्छा. खैर वो मैंने करवा ली या नहीं करा इसके बाद में भी है, दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं पर दिखाई देते हैं. लेकिन मैंने कहा ये बताइए इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं. मैंने नहीं कहा, उसने कहा. उसने कहा देखो पता है मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं. और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं. मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूं, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है. लेकिन देखो इस कमरे के अंदर, और फिर उसने एक अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी. उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा करता हूं, लेकिन बाहर जाकर मस्जिद के अंदर में सब लोग मेरे को यहाँ का एक रिस्पेक्टेड उलेमा समझ लीजिए, उलेमा तो नहीं लेकिन वो समझ लीजिए, मतलब रिलीजियस मैन की तरीके से वो करते हैं. ये एक छोटी सी घटना है लेकिन बड़ी मेरे को वो लगी. कभी मेरी में इच्छा भी होती थी कि मैं उनकी कोई मदद कर सकता या हो सकता, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं. लेकिन वो ऐसा था. चलिए.